क्वेश्चन नंबर 2.24 में हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया बताना है। यदि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 फेरेड है और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर है, हमें अपने आंसर से यह रियलाइज करना है कि साधारण कैपेसिटर माइक्रोफेरेड या उससे कम की रेंज के क्यों होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स बहुत ज्यादा रेंज के होते हैं। उनकी कैपेसिटेंस लगभग 0.1 फेरेड के अबाउट होती है। आइए हम सॉल्यूशन को समझें। हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हमें 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, जिसे हम 0.5 × 10⁻²⁻ भी लिख सकते हैं। हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 फेरेड गिवन है और हमें इस प्लेट्स का एरिया बताना है। हमें फार्मूला पता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। यहां पर ए एरिया ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डी डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स है। यहां से यदि हम ए फाइंड करेंगे तो ए आ जाएगा सी इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट। सी हमें गिवन था, हमने वैल्यू पुट की। डी हमने अभी यहां पे देखा 0.5 सेंटीमीटर गिवन था, जिसे हमने मीटर में लिखा, वो वैल्यू हमने पुट की। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है, 8.854 × 10⁻²। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1130 किलोमीटर स्केयर। अब अगर हम इसे रियलाइज करें कि क्या यह एरिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो हम देखेंगे इतना बड़े एरिया का कैपेसिटर बनाना प्रैक्टिकली यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि यह एरिया बहुत ज्यादा लार्ज है, द एरिया ऑफ प्लेट्स इज टू लार्ज, टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम जो कैपेसिटेंस लेते हैं कैपेसिटर की, वो माइक्रोफेरेड की रेंज में लेते हैं। और इसके बाद यह बात भी आप समझें कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस क्यों होती है। इलेक्ट्रोलिटिक्स के लिए दोनों प्लेट्स के बीच में हम देखते हैं फ्री स्पेस ना होके इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए के की वैल्यू ज्यादा होती है, और हमें पता है जब भी कभी दो प्लेट्स के बीच में मीडियम हो तो उसका फार्मूला होता है सी एम मीन्स कैपेसिटेंस विद मीडियम इज इक्वल टू के इंटू सी नोट। यहां पर के है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और सी नोट है कैपेसिटेंस विद फ्री स्पेस, मीन्स दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी मीडियम ना हो, फ्री स्पेस हो। तो हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए के की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।